हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रवि कुमार फ्रॉम KV CRPF मोकामाघाट। आज हम लोग ज्योग्राफी का 4th चैप्टर एग्रीकल्चर में हम लोग जानेंगे मेजर एरिया ऑफ राइस एंड वीट और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट ऑफ शुगर केन, टी, कॉफ़ी, रबर, कॉटन एंड जूट के बारे में हम लोग जानेंगे आज मैप वर्क में। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे मेजर एरिया ऑफ राइस यानी चावल उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे और कौन कौन से स्टेट हैं उसके बारे में जानेंगे। तो इस मैप से ही पता चलता है कि सबसे अधिक मेजर एरिया में राइस प्रोड्यूस के लिए सबसे अधिक है कौन, देखने पर पता चलता है कि इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट जो ये ईस्टर्न जो कोस्टल रीजन है इसमें सबसे अधिक मेजर एरिया है राइस के प्रोड्यूसिंग स्टेट कहिए इसमें आते हैं। ठीक है, जिसमें स्टेट के बारे में जानेंगे, फर्स्ट नंबर में राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है तो वेस्ट बंगाल में सबसे अधिक चावल का उत्पादन वेस्ट बंगाल में होता है। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश, ठीक है, और थर्ड नंबर पर आता है पंजाब का एरिया जो हुआ वो आता है, और फिर फोर्थ नंबर पर उड़ीसा, फिर बिहार का रीजन भी आता है अधिक चावल के उत्पादन में, फिर छत्तीसगढ़ में जो उड़ीसा के बाद जो छत्तीसगढ़ जो ये है वहाँ पर भी अधिक चावल का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, इस तरह से हम देखें कि ये सभी रीजन में जो इंडिया के ईस्टर्न कोस्टल रीजन है जो पूर्वी तटीय राज्य हैं जो क्षेत्र हैं वहाँ पर चावल का उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है और आसाम में भी। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे आगे चावल के बाद वीट गेहूं के उत्पादन में कौन कौन सा एरिया है उसके बारे में। ठीक है, तो वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट के रूप में कौन है, सबसे ज़्यादा गेहूँ उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में, फिर आता है मध्य प्रदेश का ये जो उत्तर प्रदेश हुआ यूपी, फिर सेकंड नंबर पर एमपी आता है। ये सभी एरिया हैं क्या, गेहूं उत्पादक क्षेत्र हैं, सबसे अधिक गेहूं उत्पादन क्षेत्र इंडिया के हैं ये सब यूपी में, उत्तर प्रदेश का रीजन, फिर मध्य प्रदेश का रीजन, फिर उसके बाद पंजाब का रीजन आइए थर्ड नंबर पर, फिर हरियाणा का रीजन, और फिर राजस्थान में भी कुछ गेहूं का उत्पादन किया जाता है, फिर माइनर एरिया जो कुछ बिहार में भी गेहूं का उत्पादन किया जाता है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि इंडिया के जो सेंटर में यानी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा ये सभी में गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक होता है। ठीक है, इंडिया के सेंटर में। ओके, आगे हम लोग जानेंगे मैप वर्क में एक चीज़ और इसमें कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट ऑफ शुगर केन यानी गन्ना के जो उत्पादन में सबसे अधिक उत्पादन करने वाला स्टेट कौन सा है, तो गन्ना में भी यही उत्तर प्रदेश आता है एक नंबर पर। गन्ना में सबसे अधिक उत्पादन करने वाला कोई स्टेट है तो उत्तर प्रदेश है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है महाराष्ट्र का नाम सेकंड नंबर में, महाराष्ट्र, फिर थर्ड नंबर में आता है कर्नाटका, फिर फोर्थ नंबर में आता है तमिलनाडु। तो ये सभी क्या है, शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट है। ठीक है, और इसमें सबसे लार्जेस्ट कौन है तो उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ टी यानी चाय के उत्पादन में सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो चाय में सबसे अधिक असम के बारे में जान रहे होंगे जो असम में सबसे अधिक चाय का उत्पादन किया जाता है। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है वेस्ट बंगाल, वहाँ पर भी चाय का उत्पादन किया जाता है। थर्ड नंबर में तमिलनाडु आता है और फोर्थ नंबर में केरला और फाइव नंबर में कर्नाटका। मेन चीज़ इसमें याद रखना है कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट कौन सा है टी का, तो असम। ठीक है,
फिर थर्ड क्रॉप्स के बारे में हम लोग जानेंगे, असम असम जाने टी के बारे में। अब आगे जानेंगे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट ऑफ कॉफ़ी, कॉफ़ी के सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, सबसे अधिक जो उत्पादन करता है, तो कॉफ़ी में है कर्नाटका। कर्नाटक है जो एक नंबर पर है, सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन करने वाला स्टेट कौन सा है, कर्नाटका। फिर सेकंड नंबर पर आता है इसी का जस्ट बगल में केरला, ठीक है। थर्ड नंबर पर तमिलनाडु और फोर्थ नंबर पर महाराष्ट्र। यानी फर्स्ट सेकंड और थर्ड देखते हैं तो इंडिया के जो साउथर्न पार्ट हैं, जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, वहीं पर कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग जानेंगे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट ऑफ रबर। रबर रबर कहाँ पर सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है, तो रबर में केरल एक नंबर पर है, केरला, ठीक है। फिर सेकंड नंबर पर आता है रबर के उत्पादन में त्रिपुरा। फिर थर्ड नंबर पर आता है कर्नाटका और फोर्थ नंबर पर असम। तो हम जान सकें कि रबर उत्पादन में सबसे अधिक उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है, तो केरल। लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट जरूर याद रखना है जो केरल रबर में, ठीक है। और आगे हम लोग जानेंगे लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ कोटेन, यानी कपास के उत्पादन में सबसे अधिक उत्पादन करने वाला स्टेट कौन सा है, उसके बारे में जानेंगे। तो कोटेन में सबसे अधिक होता है गुजरात, एक नंबर पर है कोटेन को उत्पादन करने में गुजरात। सेकंड नंबर पर आता है महाराष्ट्र का स्थान। थर्ड नंबर पर आता है तेलंगाना, ठीक है, और फोर्थ नंबर पर कर्नाटका। ये हम देख रहे हैं कि सभी जितना भी कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट हैं वो इंडिया के बेस्ट साउथ में हैं, ठीक है। तो इसमें एक नंबर पर जरूर याद रखिएगा कॉटन के, एक नंबर पर कौन सा है, गुजरात। सेकंड नंबर पर प्रोड्यूसिंग स्टेट महाराष्ट्र, ठीक है। और एक और जानेंगे हम लोग मैप वर्क में आज, हम लोग लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ जूट। जूट का सबसे अधिक उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है, तो वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल एक नंबर पर आता है, सबसे अधिक उत्पादन करता है जूट का वेस्ट बंगाल। फिर उसके बाद आता है इसी का बगल में है बिहार, जो सेकंड नंबर पर आता है जूट के उत्पादन करने में। और थर्ड नंबर पर असम, ठीक है। तो इस तरह से हम देखें कि भारत के जो नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र है, यानी बिहार, बंगाल और असम, वहाँ पर जूट का सबसे अधिक उत्पादन किया जाए, जिसमें लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट कौन सा है जूट का, तो वेस्ट बंगाल, ठीक है। इस तरह से आज हम लोग मैप वर्क में जाने एरिया ऑफ राइस एंड वीट और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट ऑफ शुगर केन के बारे में, टी के बारे में, कॉफ़ी के बारे में, रबर, कॉटन और जूट के बारे में जाने, ठीक है। ओके।